बहुत सारी सकारात्मक नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मुझे प्राप्त होती रहती हैं, जिनमें से कुछ बंधु तो ऐसे होते हैं जिनका संकल्प टूटता भी है, जो कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए विचलित भी हो जाते हैं, वो भटक भी जाते हैं, लेकिन फिर से वो खड़े होकर के एक नए संकल्प के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को सही दिशा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कमेंट भी प्राप्त होते हैं, और मैं आसपास भी अपने बहुत सारे जो जुड़े हुए बंधु हैं उनके प्रश्नों को और उनके जीवन को देखता हूं, तो मुझे पता रहता है कि बहुत सारे बंधु बहुत निराश हो जाते हैं, परेशान हताश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमसे ये सब अब नहीं हो सकता, हम इतने लिप्त हो चुके हैं, इतने हावी हो चुकी हैं हमारी पूर्व की स्मृतियां, कि जब भी हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो पीछे के जो विचार हैं, जो अनुभव हैं, वो आकर के हमें रोकते हैं, हमें बाधित करते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली एक और बात है कि हमारे स्मृति पटल पर हमेशा वो विचार ही आकर के हमें भ्रमित क्यों करते हैं जो कि उस अनुभव से जुड़े हुए होते हैं। वो विचार हमारे मन में क्यों नहीं आते जब हम इन क्रियाओं में लिप्त होने के बाद अपने आप को बहुत गिरा हुआ, अपने आप को संकुचित और अपनी ऊर्जा का क्षय हुआ, नाश हुआ सा अनुभव करते हैं। वो अनुभव अगर हम उस समय पर जागृत कर लें जिस समय पर हमारी इच्छाएं, हमारी कामेच्छाएं हमें उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं, तो निश्चित रूप से हम इनसे बच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अपने संकल्प से हटने लगें, अपने संकल्प से गिरने लगें, तो उस स्मृति को विकसित करें, उस स्मृति को विकसित करें कि जब इससे पूर्व मैं इस प्रकार के किसी भी कार्य में, कृत्य में, भोग में लिप्त हुआ था, तो उसके बाद का जो अनुभव था वो अनुभव कैसा था। अगर उस अनुभव को आप ठीक प्रकार से याद कर लेंगे तो आपको स्पष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कितनी ही बार मैं भोग में लिप्त हुआ हूं, लेकिन किसी भी एक भी समय ऐसा नहीं हुआ है कोई जिसमें मुझे इन क्रियाओं से बहुत ऊर्जावान अनुभव हुआ हो, बहुत सकारात्मक अनुभव हुआ हो, मैं और अधिक ऊर्जा से आगे बढ़ने में सक्षम हुआ हूँ। इसके विपरीत हमेशा मैंने गिरा हुआ, हमेशा मैंने अपने व्यक्तित्व और अपने विकास में कहीं ना कहीं अवरोध ही अनुभव किया है। यदि आप इस स्मृति को विकसित करेंगे और इस स्मृति के आधार पर इसका अवलंबन लेके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। योग दर्शन में भी महर्षि कहते हैं कि वितराग विषय व चित्तम, वो क्या कहते हैं कि जब भी जीवन में आप भटकने लगे, वितराग, जो वितराग पुरुष हुए हैं, जो सब राग आसक्ति से मुक्त होकर के जीवन में आगे बढ़े, उनका चिंतन करो, तो उनके चिंतन से क्या होगा, हमारे जीवन में, हमारे स्मृति पटल पर, हमारे मस्तिष्क में अच्छे सुसंस्कार विकसित होने शुरू हो जाएंगे, हमें अंदर से एक प्रेरणा मिलेगी कि कितना सुंदर, कितना सधा हुआ और कितना विकसित जीवन जी करके वो लोग गए हैं जो कि अपने सनातन संस्कृति से जुड़े रहे, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म को स्थापित किया, जिन्होंने अपने सिद्धांतों को अपने प्राणों से भी बढ़कर चाहा, समझा, अनुभव किया, उनके बारे में सोचने मात्र से हमारा स्तर ऊंचा उठना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से मेरा आपसे ये विशेष सुझाव है, हम इसीलिए अपने संकल्पों से गिरते हैं कि हम स्मृति को खो देते हैं, उस स्मृति को खो देते हैं जो कि हमें उस तरफ जाने से रोक सकती है। जब उस भोग में लिप्त हुए थे तो आपने बहुत सारे संकल्प किए होंगे, हर एक व्यक्ति यही कहता है कि मैंने बहुत संकल्प करता हूं मैं कि अब मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, ये मार्ग मेरे लिए नहीं है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे अपने जीवन को सुंदर बनाना है, मुझे अपनी ऊर्जा को सही स्थान पर लगाना है, ऐसे बहुत सारे संकल्प। लेकिन वो सारे संकल्प की स्मृति रुक जाती है, दब जाती है और विकसित हो जाती है वो केवल एक स्मृति के वो क्षणिक जो कुछ सेकेंड्स का आनंद आपको उसमें मिलता है, वो इतना हावी हो जाता है कि आपके मस्तिष्क, स्मृति और आपके विवेक को ढक लेता है। तो ऐसा नहीं होने देना है। इसके लिए चाहे आप कोई भी रास्ता अपनाए, आप कहीं पर लिख के रख सकते हैं, कभी भी ऐसा हो तो आप उसे दोबारा अनुभव को जो का त्यों पढ़ भी सकते हैं कि मैंने तब ये अनुभव किया था, ये संकल्प किए थे, मैं उन अपने संकल्पों को अब दोहराता हूं और इन संकल्पों के आधार पर अब मैं इन चीजों से बचता हूं, बहुत जरूरी है और बहुत लाभदायक भी हो सकता है। तो उन स्मृतियों को विकसित करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ समय से मैं निरंतर विद्यार्थियों के लिए ये वीडियोस ला रहा हूं, तो ये भी विद्यार्थियों के लिए ही विशेष संदेश है, क्योंकि इससे अगर आप बच जाते हैं, अगर ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाते हैं, तो आप अपने समय का बहुत बड़ा हिस्सा बचा लेंगे।
क्योंकि कोई एक ऐसा नहीं है कि केवल एक क्रिया है वही समय आपका खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा समय का खराब हो जाता है, चाहे आप फिर अगर ऐसी भावना से प्रेरित होते हैं तो चाहे आप किसी से बात करें, अश्लील वार्ता करें, या फिर आप कोई फिल्म इत्यादि देखें, कोई चित्र देखें, कोई पुस्तक ऐसी पढ़ें, कोई भी तरीका हो सकता है आपका, तो आप अपने घंटों घंटों उसमें व्यय कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बंधु आते हैं कि हमारा बहुत सारा समय लग जाता है। बहुत सारा समय कैसे लगता है? इसीलिए समय लगता है कि उस अनुभव को दीर्घ करने की कोशिश करता है व्यक्ति निरंतर, जो क्षणिक है। आपको भी पता है, सबको पता है कि क्षणिक है, लेकिन उसको दीर्घ कैसे किया जाए? वैसी क्रिया में, उस चरम अवस्था तक पहुंचे बिना वैसी क्रिया में निरंतर 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 मस्तिष्क को लगाए, और उससे समय नष्ट होता है, उससे ऊर्जा भी नष्ट होती है, और जो समय आपके भविष्य के लिए लगना चाहिए वो समय आपका यहाँ पर व्यय होता है। तो कितनी बड़ी क्षमताओं को आप खो रहे हैं। जो शारीरिक नुकसान है, जो मानसिक नुकसान है, वो तो है ही, जो आध्यात्मिक है, जो आपके स्वाध्याय का, आपकी पढ़ाई का, आपके बहुत सारी चीज़ें सीखने का, या फिर आप बिजनेस करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ करते जिसमें आपको निरंतर सीखने की और सृजनात्मकता की आवश्यकता है, वो आप फिर नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरफ ध्यान दें, उस स्मृति को विकसित करें जो आपको साध सकती है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, क्यों और क्या कारण बनता है ऐसा जो कि हमें नहीं रहने देता सात्विकता की तरफ? कारण एक सीधा सा है कि निरंतर अपने आप को आकर्षक दिखाने का हमारे मन में जो भाव है। ब्रह्मचारी को क्या चाहिए? उसे चाहिए एक सात्विक जीवन शैली, उसे चाहिए कि उसके मार्ग में कम से कम अवरोध हो। अब अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करना चाहता है और अवरोध को आकर्षित करता है कि अवरोध मेरे सामने आए, मेरे रास्ते में आए, मुझे रोकें, अब इसका कारण तो सीधा सा यही है ना कि हम इतने सुंदर कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इतना आकर्षक दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसी मेरे पास वस्तुएं हों जो कि आकर्षित लगें। क्योंकि कारण क्या है कि हम खुद के लिए क्या, खुद के शरीर को तो केवल अगर आप बहुत सादे से और ऐसे कपड़े में हैं जो कि जिसके आर पार हवा अच्छे से गमन कर सके, जो कि आपको बैठने उठने में सहज हो, ऐसे वस्त्र जो कि ट्रेडिशनल हमारे जो परंपरागत से हम पहनते आए हैं पूर्व समय से ही, वो इसी दृष्टिकोण से बनाए जाते थे कि भाई हम उनमें एकदम अच्छे से रहें और उसमें कोई बाधा न हो हमारी जीवन शैली, व्यायाम आदि करने में भी और दूसरे कामों में भी। लेकिन जब उनसे हट करके हम इतने टाइट कपड़े पहनते हैं हम, जिससे कि हमारे शरीर के अंग उभार स्पष्ट रूप से दूसरे व्यक्ति को दिख सके, चाहे उसमें कोई महिला है, चाहे पुरुष है, लड़की है, लड़का है, दोनों के लिए ही ये समान रूप से इंप्लीमेंट होती हैं चीजें, तो अपने आप को ऐसा न बना करके परोसो कि लोग आपकी देह को देख करके आपके आसपास मंडराना शुरू कर दें। और एक और बात समझ लें कि किसी भी रिश्ते की नींव जो है, अगर शरीर है, तो वो रिश्ता लंबा चल ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर के भोग की भी एक सीमा है। समझो, शरीर का भोग निरंतर नहीं कर सकता व्यक्ति, कितना भी काम इच्छाओं से पूरित भरा हुआ व्यक्ति है, वो भी निरंतर 24 घंटे संभोग आदि क्रियाओं में या फिर इन सब कार्यों में लिप्त नहीं रह सकता। क्षमता है शरीर की, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 दिन, 15 दिन, वो भी ये कहेगा कि बस अब और नहीं हो सकता, उसका शरीर ही उसे कहेगा कि अब क्षमताएं खत्म हो चुकी हैं। तो शरीर की एक सीमा है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाने वाली है, बहुत लंबा समय भी उसमें नहीं लगता है। तो जो संबंध शरीर के आधार पर ही बनते हैं वो बहुत जल्दी खत्म होते हुए दिखाई देते हैं। मैं अपने आसपास परिवेश में, संबंधों में और बहुत ज्यादा समाज में ऐसा देखता हूं कि जो देह आधारित संबंध हैं वो बहुत जल्दी समाप्त होते दिखाई देते हैं। तो प्रेम को विकसित करें, आकर्षण से बचें, ऐसा ध्यान दें कि आपके संबंध जिनमें आप अभी हैं वो किस चीज पर आधारित हैं, केवल शरीर पर, या फिर भाव पर, या फिर प्रेम पर, या फिर सुख पर, या सात्विकता पर। अगर ऐसा है कि आपके संबंध आपको निरंतर विकसित करते हैं तो अच्छा है, साथ में बने रहें, आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे को विकसित करें। ऐसे संबंध और ऐसे प्रेम में भी कोई आपत्ति नहीं है, वो आपको रोकेगा नहीं, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। लेकिन उस योग्य तो बनो कि वैसे प्रेम को आप समझ भी सको, क्योंकि प्रेम करना भी कोई सरल नहीं है। प्रेम अगर वास्तविक है तो आप डर जाएंगे उससे, क्योंकि उसमें तो बड़ा त्याग है, उसमें तो बड़ा संयम है, उसमें तो बड़ी सात्विकता है, वो तो आपको चाहिए ही नहीं, आपको तो शरीर ही चाहिए और शरीर वहां पे मिल नहीं रहा है, तो ऐसा प्रेम तो आपको चाहिए नहीं। तो आप
प्रेम के लिबादे में आकर्षण को लपेट करके अपने आप को संतुष्ट न करें, वास्तविकता में जिए, वास्तविकता को समझें। तो अपने जीवन शैली को कहने का अर्थ सीधा सा यही है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, सबसे पहले उस स्मृति को विकसित करें जो स्मृति आपको साधना की तरफ लेकर के जाती है, बाधक नहीं है, जो आपको साधती है, जो आपको इन सब चीजों से दूर रखती है, इनमें फंसाती नहीं है। उस स्मृति को लिख लें, उस अनुभव को लिख लें, उसको दोबारा पढ़ें, जिस भी तरीके से उसे याद रख सकते हैं, शास्त्रों में यही कहा गया है जो मैंने उदाहरण दिया आपको, इसी के आधार पर चलें और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए सात्विकता में रहें, दिखावे का जीवन न जिए, जो आपके लिए उचित है सादा जीवन जिए। विशेष रूप से विद्यार्थी, तो जो आपका 20 वर्ष, 21, 25 वर्ष या फिर उससे भी ज्यादा आपका अगर स्वाध्याय, अध्ययन और आपके जीवन निर्माण का समय चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें, सजग रहें और इस तरीके से निरंतर प्रगति करते रहें। तो आज इन्हीं विषयों पर थोड़ा सा मैंने आपका मार्गदर्शन किया है। कुछ बंधुओं का ऐसा भी कमेंट प्राप्त होते हैं कि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मार्गदर्शन ठीक उचित प्रकार से हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्राथमिक है। आधी अधूरी जानकारी या भाव अगर मैं प्रेषित करूँगा तो वो मुझे संतुष्ट नहीं करता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर 10 मिनट 15 मिनट आप अगर दिन के निकाल करके अपने जीवन में इन चीज़ों को देते हैं जो आपके जीवन का बड़ा सुंदर निर्माण कर सकती हैं, क्योंकि ये अनुभव भी हैं, ये शास्त्रों से और गुरुजनों से सीखे हुए भाव और जानकारी भी हैं जो मैं अग्रेषित करता हूँ। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर लेकर के आते हैं जीवन में तो बहुत सुंदर और विशाल परिवर्तन हो सकते हैं। जो बंधु अभी इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पर अवश्य जुड़े, वहाँ पर भी आपको निरंतर जानकारियाँ और छोटी छोटी से टिप्स और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी। तो आज के लिए हम इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।